नमस्कार बाल मित्रों, आज ने ऑनलाइन क्लास में आप सबनु स्वागत छे। आज आप भणीशुं प्रकरण नंबर एक पत्र एवं डायरी नो लेक्चर नंबर त्रण। पहला लेक्चर में आपणे त्रण पत्र जोया छे, बीजा लेक्चर में पण आपणे त्रण अने आजे पण आपणे त्रण पत्र जोवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने बधाने खबर छे के पत्रना केटला प्रकारो छे। तो आजे आपणे पहोंच्या प्रथम पत्र प्रार्थना पत्र पर। तो चलो पेज नंबर 4 એમાં તમને પ્રાર્થના પત્ર આપેલો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના પત્ર એવું નામ સાંભળતા તમને એવું થાય કે પ્રાર્થના એટલે શું? તો કોકને આપણે એટલે પ્રાધ્યાપકને જ્યારે આપણે જે પત્ર લખીએ, દાખલા તરીકે આપણે શાળામાં રહી શકવાના નથી, તો આપણે એને વિનંતી કરવાની છે, વિનંતી સ્વરૂપે આપણે પત્ર લખવાનો છે। તો પત્રનો આપણો પ્રકાર કેવો છે? પ્રાર્થના પત્ર કે લીએ અધ્યાપક કો પત્ર, તો એમાં એડ્રેસ લખવાનું છે દેસાઈ ફલિયા, ભાવનગર, 20 ફરવરી 2011। સેવા ઇસકો લખના હે, પહેલે દાસ મેમને આપકો સંબોધન ઓર અને કેસે લિખતે હે ઇસ તરફ મેને આપકો સિખાયા। આજ હમ દેખેંગે હમ પ્રાર્થના પત્ર અપને આચાર્ય મહોદય સે લિખતે હે। તો સેવા મે ક્યા લિખના હે? કે શ્રી આચાર્ય મહોદય डी ए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर, आप जो आप विद्यालय में पढ़ते हैं उनका भी नाम लिख सकते हैं। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यह शादी कितनी धूमधाम रहेगी, इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः 24 से 28 तक यानी कि 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ ही भेजा। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे, इसलिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा यानी कि आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 वर्ग 8 अ। तो इसमें भी कुछ कठिन शब्द मुझे दिखाई दिए हैं, तो कठिन शब्द मैं आपको लिखाती हूँ, आप लिख लें। तो यह कठिन शब्द इन पत्र में से है, तो आप लिख ले इसे। तो आपने यह कठिन शब्द लिख लिए होंगे। अभी आपको पता चल गया कि कोई व्यक्ति के पास हमें छुट्टी लेनी है, हमारे गुरुजी की या हमारे आचार्य से, तो हमें किस तरह पत्र लिखना चाहिए। पहले हम उसका सरनामा लिखेंगे, फिर आचार्य महोदय या मेरे आचार्य महोदय या पूज्य गुरुजी सादर प्रणाम, फिर अपनी शाला का नाम लिखेंगे, अपना गांव का नाम लिखेंगे, फिर आदरणीय ऐसा संबोधन करेंगे, आदरणीय गुरुदेव, आदरणीय आचार्य श्री, फिर अपना जो लिखना है कि इन तारीख से इन तारीख में विद्यालय में उपस्थित नहीं होने वाला हूँ, यह और कारण भी आपको साथ में दर्शाना है।
इस तरह से प्रार्थना पत्र लिखे जाएंगे। अभी कार्यालय पत्र यानी कि कार्यालय में जो पत्र भेजे जाते हैं वह किस तरह लिखते हैं, तो कार्यालय में भेजे जाने वाले पत्र सभी के मोहल्ले वाले या कोई सभी जगह इकट्ठित होकर एक व्यक्ति जो है वह सबके लिए जो एक ही पत्र लिखता है, ऐसा एक पत्र यह भी आपके पाठ्यपुस्तक में भी दिया गया है, उसका नाम है कार्यालय पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र, उसको शिकायती पत्र भी है क्योंकि शिकायत करनी है कि हमारे मोहल्ले में कितनी गंदगी है, स्वच्छता के बारे में लिखना है। तो एक मोहल्ला जो है वह मोहल्ले में से एक जो भाई है वह यह पत्र लिखता है। तो कैसे लिखेंगे, तारीख, उनमें सरनामा नहीं आएगा, फिर तारीख आएगी। 20 मई 2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगर पालिका बरोड़ा। मान्यवर, उसे संबोधन में क्या करेंगे, मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ, यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है, आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर इतनी गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान में सब जूठन डाल रहे हैं, बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है, आने जाने वाले सभी लोग वहाँ से परेशान रहते हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले में बीमारी फैलने का भी डर है, आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। तो इस तरह शिकायती पत्र जो है कार्यालय पत्र, तो कर्मचारी को हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी 7वां जो पत्र है वो व्यवसायिक पत्र है, पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। अभी पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता जो है, पुस्तक जो हमें देते हैं उनको हमें पत्र लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तारीख 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानंद पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड, महोदय, संबोधन में कहेंगे महोदय मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, इन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। बस इतना ही लिखना है क्योंकि हमें तो पुस्तक मंगवाने हैं, तो पुस्तक मंगवाने में हमें कोई और नहीं लिखना है, केवल ऐसा ही लिखना है कि इन इन पुस्तकों की एक यादी हमें बनानी है, जिन पुस्तकों को हमें मंगवाना है तो यादी हमें भेजना है। तो क्या लिखेंगे व्यवस्थापक, फिर उसका स्टोर का नाम लिखेंगे यानी कि गजानंद पुस्तकालय, फिर उसका एड्रेस, तो के सुभाष रोड वलसाड महोदय श्री, ऐसा लिखकर एक वाक्य लिखना है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, इन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। फिर ऐसी एक सूची बनानी है, नन्हा कोश, जिसके लेखक रहे श्री रतिलाल नायक, दूसरा नालंदा विशाल शब्द सागर, जिनके लेखक है श्रीनवल जी, हिंदी शब्दकोश, श्री श्याम बहादुर वर्मा,
તથા સાહિત્યિક મહાવાન હરિવંશચંદ્ર શર્મા तो इस तरह से हमें एक सूची लिखनी है और फिर अंत में क्या लिखना है, कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काट कर शीघ्र ही VPP से हमें भेज सकते हैं अथवा तो भेजें। भवदीप प्रतीक्षा शांति भवन MG रोड राजकोट से ऐसा हमें लिखना है। तो यह सूची आप भी लिख लो कि किन किन पुस्तकों और उनके किन किन कवि और लेखकों रहे हैं। यह हमें सूची भेजकर व्यावसायिक पत्र हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप भी लिख लें। तो छात्रे यह हो गया हमारा पत्र लेखन। अभी हम जाएंगे डायरी लेखन, क्योंकि हमारे पास पत्र एवं डायरी है। तो जो हमारा प्रथम प्रकरण है उसमें पत्र जो है वह 7 दिए गए हैं, तो 7-7 पत्र आपको मैंने समझा दिए। अभी डायरी लेखन जो है वह हमें किससे लिखते हैं, किन कैसी डायरी होनी चाहिए, किसके बारे में लिखना चाहिए, तो हम भी ऐसी डायरी हमारे जीवन में भी बनानी चाहिए हमें भी। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनदिनी दैनिकी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन એટલે પોતાનું જીવન में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। हमारे साथ जो जो घटना घटी है उसका लेखा जोखा डायरी में रखा जाता है। डायरी से पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाएं, कार्यों, तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटना के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की भी अभिव्यक्ति का अंकित कर सकता है, इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होनी चाहिए। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। कोई डायरी प्रतिदिन यानी कि रोज लिखते हैं, कोई साप्ताहिक लिखते हैं, कोई पाक्षिक लिखते हैं, तो कोई मासिक यानी कि एक महीने तक लिखते हैं, एक महीने का सारा एक साथ में लिख लेते हैं। डायरी लेखन की कितनी विशेषताएं हैं यह हम जान लें। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुणों होने की आवश्यकता है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, उसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक होना चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। हमें डायरी से लाभ क्या होता है, डायरी लेखन हम जब करते हैं तो उनसे हमें कुछ लाभ क्या होता है, तो उनके अनेक लाभ है। उससे जीवन में घटी घटनाएं की जानकारी प्राप्त हो सकती है। डायरी के तथ्यों का उल्लेख रहता है, उसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करते हैं उसका उल्लेख भी रहता है। उससे शने शने यानी कि धीमे धीमे जो बुराइयां है उसे बचा जा सकता है। डायरी ऐसा दस्तावेज है कि जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले अनुभवें और घटनाएं की जानकारी व संबंधित व्यक्ति को शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन का मैं उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटना अपनी डायरी में लिखिए। आप नए हो, अपना विद्यालय भी नया है, तो नए विद्यालय में पहले दिन आपका कैसा रहा वह आपको एक डायरी लेखन करना है। 7 अगस्त 2010 जामनगर, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था, ऐसे आप लिख सकते हैं। मन में विभिन्न प्रकारों के विचार की उथल पुथल चल रही है। मन में विभिन्न विचारों की उथल पुथल चल रही थी।
अनेक अनजानी आशंकाओं अनायसों मुझे डरा रही थी। 9 बजे मैं पिताजी के साथ अपने नए विद्यालय यानी कि आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुक्ल आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों अध्यापकों और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगता था कि आज मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो यह था उसका पहला दिन का अनुभव। अब एक दूसरा अनुभव लेते हैं, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। तो 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। कल विज्ञान पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे लगा कि मुझे ठाटस बंधाए बिस्तर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े नींद आ नहीं रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के जो पन्ने थे पुनः पलटाने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो यह था वार्षिक परीक्षा का एक दिन पूर्व का अनुभव। तो आप भी विद्यार्थी मित्रों, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है तो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको भी आज होमवर्क में अपने जीवन में जो घटी घटना है उसका अनुभव डायरी में तो आप लिख रहे हैं, परंतु यह आपको एक घटना जो है वह रफ नोट में भी लिखनी है। तो यह आज का होमवर्क रहा। तो यह हमारा जो प्रकरण नंबर 1 है वह भी पूरा हुआ और डायरी लेखन भी आज हमने देख ली। तो हमें डायरी भी प्रतिदिन लिखनी चाहिए। प्रतिदिन में हमारे साथ जो घटना घटती है वह अपनी डायरी में हम सब लिखेंगे। तो आज का होमवर्क यह रहेगा कि आपको कोई अपने जीवन में घटी घटना लिखनी है। तो दरेक छात्रों इतना ही आज रहेगा। अब हम जब दूसरे लेक्चर में मिलेंगे तब हम अच्छे की सैर चलाएंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा जय हिंद जय भारत।